राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि सिद्धार्थ सत्य की खोज में वन में चले जाते हैं। उन्हें विभिन्न विद्वानों द्वारा समझाया जाता है। राजा बिंबसार उन्हें राज्य देने का प्रस्ताव रखते हैं, किंतु सिद्धार्थ वापस जाने से मना कर देते हैं और वन में सत्य की खोज में संलग्न हो जाते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है मार की पराजय। जब महामुनि सिद्धार्थ ने मोक्ष प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर आसन लगाया तो सारा लोक अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सद्धर्म का शत्रु मार कामदेव भयभीत हो गया। उसे सामान्यतः कामदेव, चित्रायुध और पुष्पशर कहा जाता है। ये काम के संचार का अधिपति है, यही मार है। उसके विभ्रम, हर्ष और दर्प नाम के तीन पुत्र हैं और अरति, प्रीति और त्रिशा नाम की तीन कन्याएं हैं। उन्होंने जब अपने पिता को भयभीत देखा तो इसका कारण जानना चाहा। मार ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बताया, हे मेरे पुत्र और पुत्रियों, देखो इस मुनि ने प्रतिज्ञा का कवच पहनकर सत्व के धनुष पर अपने बुद्धि के बाण चढ़ा लिए हैं। ये हमारे राज्य को जीतना चाहता है, यही मेरे दुख और भय का कारण है। यदि ये मुझे जीत लेता है और सारे संसार को मोक्ष का मार्ग बता देता है तो मेरा राज्य सोना हो जाएगा। इसलिए ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त करे उससे पहले ही मुझे इसका व्रत भंग कर देना चाहिए। अतः मैं अभी अपना धनुष बाण लेकर तुम सब के साथ इस पर आक्रमण करने जा रहा हूं। इस प्रकार सारी स्थिति समझाकर मार अपने पुत्र पुत्रियों को साथ लेकर उसी अश्वत्थ वृक्ष के पास गया जहां महामुनि समाधि लगाकर विराजमान थे। उसने पहले महामुनि को ललकारा और फिर धनुष बाण हाथ में लेकर कहा, हे मृत्यु से डरने वाले क्षत्रिय, उठो, अपने क्षत्रिय धर्म का आचरण करो, मोक्ष का संकल्प छोड़ो, शास्त्रों और यज्ञों से लोक जीत कर इंद्र पद प्राप्त करो, नहीं तो मैं अपना बाण छोड़ दूंगा। मार की इस चेतावनी का जब मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने अपने पुत्रों और कन्याओं को आगे भेजा और अपना बाण छोड़ दिया। परंतु इसका भी कोई प्रभाव मुनि पर नहीं हुआ तो वो बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा, मैंने यही बाण शिव पर छोड़ा था तो वे भी एक बार विचलित हो गए थे, परंतु आज ये निष्फल कैसे हो गया है।
क्या इस मुनि के हृदय नहीं है, अथवा ये बाण वो बाण नहीं रहा जिसने शिव को पराजित किया था? इस प्रकार सोचते हुए उसने अपनी सेना को याद किया। तत्काल उसकी विकराल सेना उपस्थित हो गई। महामुनि के चारों ओर विचित्र और भयंकर आकृति वाले जीवों की भीड़ सी लग गई। वे विविध प्रकार की रूप सज्जा धारण किए हुए थे। उनमें से कुछ त्रिशूल घुमा घुमा कर नाच रहे थे, कुछ गदा हाथ में लिए इधर उधर कूद रहे थे और सांड की तरह हुंकार रहे थे। रात्रि के प्रारंभ में ही शाक्य मुनि और मार के बीच होने वाले युद्ध के कारण सारा आकाश मलिन हो गया। पृथ्वी कांपने लगी और दिशाएं चलने लगी। उस समय भयंकर झंझावात प्रवाहित होने लगा। आकाश में उस समय न तारे थे और न चंद्रमा था। चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया। इन सब के बीच शाक्य मुनि उसी प्रकार स्थिर चित्त बैठे रहे जिस प्रकार गायों के बीच में सिंह निश्चिंत भाव से बैठा रहता है। मार ने तब अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। और कहा कि महर्षि को भयभीत करो जिससे इसका ध्यान भंग हो जाए। आज्ञानुसार सभी महामुनि को डराने लगे, किंतु जैसे खेल में उत्तेजित बालकों को न व्यथा होती है न उद्वेग, वैसे ही महर्षि इन सब के भयंकर रूपों और क्रियाकलापों से न व्यथित हुए और न ही उत्तेजित। जब मार के किसी सैनिक ने अपनी आंखें तरेर कर महामुनि पर गदा से प्रहार किया तो उसका गदा सहित हाथ ही जकड़ कर रह गया। किसी ने शिला और किसी ने वृक्ष उठाकर उन पर प्रहार करना चाहा तो वे स्वयं ही गिर गए। किसी ने उन पर अंगारों की वर्षा की तो मुनि के मैत्री भाव के कारण वे लाल कमलों की पंखुड़ियां बनकर बरसने लगे। शाक्य मुनि अपने आसन से जरा भी विचलित नहीं हुए। इस भयंकर वातावरण से वन के पशु पक्षी आर्तनाद करने लगे। सभी भयभीत हो गए, किंतु सिद्धार्थ मार की सेना से भयभीत नहीं हुए। इस पर मार को बहुत दुख हुआ और उसे बहुत क्रोध भी आया। तभी किसी अदृश्य जीव ने आकाश से प्रकट होकर मार से कहा, हे कामदेव, तुम व्यर्थ ही क्यों परिश्रम कर रहे हो? जैसे सुमेरु पर्वत को हवा हिला नहीं सकती, वैसे ही तुम और तुम्हारे भूतगण इस महामुनि को विचलित नहीं कर सकते। चाहे अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, चाहे जल अपना द्रवत्व त्याग दे, चाहे पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़ दे, लेकिन
अपने पूर्व जन्मों के पुण्य प्रताप से ये मुनि अपना निश्चय नहीं छोड़ेगा। ये मुनि शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित सारे जगत का महावैद्य है। तुम इसके कार्य में विघ्न न डालो। उस अदृश्य जीव ने आगे कहा, देखो क्षमा रूपी जटा, धैर्य रूपी दृढ़ मूल, चरित्र रूपी पुष्प, बुद्धि रूपी शाखा और धर्म रूपी फल देने वाला यह वृक्ष उखाड़ने योग्य नहीं है। बोधि प्राप्ति के लिए जो कार्य पहले इन्होंने किए हैं उनकी सिद्धि का समय अब आ गया है। ये स्थान भी वही है जहां प्राचीन काल में अनेक मुनियों ने साधना की है। ये स्थान भूतल की नाभि है। ऐसी श्रेष्ठ भूमि पृथ्वी पर अन्यत्र नहीं है जो इस महामुनि की समाधि के वेग को सह सके। इसलिए हे मार, तुम व्यर्थ परिश्रम मत करो, जाओ, शोक मत करो और शांति प्राप्त करो। अपने सभी प्रयत्नों को विफल होते देखकर और इस अदृश्य जीव की ये बातें सुनकर मार अत्यंत खिन्न हुआ और वहां से शीघ्र भाग गया। जैसे अपने सेना नायक के मारे जाने पर सैनिक भाग जाते हैं, वैसे ही मार के जाने के बाद उसके सारे भूतगण भाग गए और मार पर महर्षि की विजय हो गई। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, नीरज यादव और विजय कुमार सिन्हा, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।